हेलो एवरीवन, द लिटिल गर्ल क्लास 9 बीहाइव बुक का चैप्टर 3। इसलिए आज मैं आपको वन लाइनर्स क्वेश्चंस करा रही हूँ। आप अच्छे से समझ लीजिएगा सभी प्रश्नों को, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न अभी इसी प्रकार के आपके सिलेबस में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के लिए आएंगे ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दिस स्टोरी अबाउट? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए लिटिल गर्ल एंड हर फीलिंग्स फॉर हर फादर। एक छोटी लड़की है और उसके पिताजी के प्रति वह क्या सोचती है, इसके बारे में कहानी है। फिर प्रश्न आता है, व्हाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर? उसको अपने पापा से डर क्यों लगता था? यहाँ पर चारों ऑप्शन सही हैं। तो चार ऑप्शन क्या हैं? ही यूज़ टू स्पीक रूडली टू हर एंड ऑलवेज फाउंड फॉल्ट इन हर। हमेशा रूडली वो बात करते थे, उसके गलतियाँ खोजा करते थे। दूसरा ऑप्शन है, सी थॉट दैट ही वॉज ए हार्ड हार्टेड मैन। उसे लगा कि उसका वो बहुत ही कठोर हृदय वाले व्यक्ति हैं। फिर वंस ही बीट हर फॉर टेयरिंग हिज पेपर्स। एक बार उन्होंने उसे पीट दिया था, पेपर्स को उसने फाड़ा जब, तो उसे उसकी पिटाई हो गई थी। तो सारे ही ऑप्शन सही हैं कि वो अपने पिताजी से इसलिए डरती थी। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर है। उसके बाद प्रश्न आता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी? ऑथर यहाँ पर हैं कैथरीन मैंसफील्ड, ऑप्शन बी। प्रश्न आता है, व्हाई डज ग्रैंड मदर आस्क द लिटिल गर्ल टू मेक ए प्रेजेंट फॉर हर फादर? उसकी दादी माँ ने क्यों कहा उसके लिए प्रेजेंट बनाने के लिए? तो यहाँ पर हिज बर्थडे वाज अप्रोचिंग नेक्स्ट वीक, उसका बर्थडे आने वाला था पिताजी का, तो दादी माँ ने एक प्रेजेंट बनाने के लिए उसे कहा। क्वेश्चन है, नेम द पीपल इन केजियाज फैमिली। यहाँ पर फादर, मदर और ग्रैंड मदर, ऑल ऑप्शंस सही हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डिड केजियाज फादर डू बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस? ऑफिस जाने से पहले केजिया के पापा क्या करते थे? ही यूज टू किस केजिया बिफोर गोइंग टू ऑफिस। व्हाट वॉज केजियाज फादर्स रूटीन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस? जब वो ऑफिस से आते थे तो क्या करते थे? तो ही यूज टू टेक टी एंड लाइक टू रीड न्यूज़पेपर। चाय लेते थे और न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, ऑप्शन सी, ये वाला सही है। प्रश्न आता है, व्हाट डिड केजियाज फादर डू ऑन संडे? संडे को क्या करते थे? तो संडे को ही यूज टू हैव साउंड स्लीप टू टेक रेस्ट। वो सो जाया करते थे संडे को, वो क्या करते थे, उनका रूटीन होता था कि सो जाया करते थे। उसके बाद प्रश्न आता है, हाउ डिड केजियाज ग्रैंड मदर हैव हर टू हैव ए बेटर रिलेशन विद हर फादर? अपने फादर से बेटर रिलेशन बनाने के लिए उनकी दादी माँ ने क्या किया, केजिया की दादी माँ ने किया, बाय सेंडिंग हर टू टॉक टू हिम इन हिज रूम। उसे कहा कि अपने पापा के रूम में जाए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डिड केजियाज मदर आस्क हर टू मेक? केजिया की माँ ने उसे क्या बनाने के लिए कहा? तो ए गिफ्ट ऑफ पिन कुशन, पिन कुशन बनाए उसे ये कहा गया। पिन कुशन क्या होता है, जिसमें उसके पापा अपनी पिंस को रख सके, ऐसा कुशन बनाने के लिए कहा गया। क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड केजियाज एफर्ट्स टू प्लीज हिज फादर इरिटेटेड हिम? केजिया ने जो एफर्ट्स किए थे उनसे पापा इरिटेटेड क्यों हो गए थे उसके? तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सही है। शी हैड टॉर्न हिज इम्पोर्टेंट स्पीच पेपर्स, क्योंकि उसने उनके पेपर्स को फाड़ दिया था, टॉर्न कर दिया था, सो वो नाराज हो गए थे। उसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड केजिया थिंक ऑफ हर फादर? अपने पापा के बारे में वो क्या सोचती थी? वो सोचती थी कि ही इज़ वेरी हार्श, वो बहुत ही कठोर हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है,
Why did Kezia avoid her father? यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, क्योंकि वह डरती थी उससे। फिर प्रश्न आ रहा है कि हु वाज मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड कौन है, तो केजिया के नेबर यहाँ पर हैं। ऑप्शन डी सही है, ये वाला डी क्वेश्चन सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डिड केजिया विश, केजिया की इच्छा क्या थी, अभी केजिया क्या चाहती थी कि शी विश्ड हर फादर टू बी हैप्पी लाइक मैकडोनाल्ड, वो चाहती थी कि जैसे मैकडोनाल्ड खुश रहते हैं वैसे ही उसके फादर भी खुश रहें। क्वेश्चन है, व्हाट वाज मैकडोनाल्ड प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रन, मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ क्या खेल रहे थे, वो टैग खेल रहे थे अपने बच्चों के साथ। प्रश्न आता है, व्हाट चेंज केजियाज परसेप्शन अबाउट हर फादर, उसके फादर के बारे में उसने जो सोचा था वो कैसे, परसेप्शन जो थी वो कैसे चेंज हुई, अवधारणा जो उसने बनाई थी। तो यहाँ पर द नाइट शी गॉट ए नाइट मेयर ही कम्फर्टेड हर, ऑप्शन डी क्वेश्चन आ रहा है, वेयर वर द टू गर्ल्स हैंगिंग, दो लड़कियाँ कहाँ पर झूला झूल रही थी, वो मैकडोनाल्ड के कोट के पॉकेट पर झूल रही थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। प्रश्न आ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ ए फादर वाज मिस्टर मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड कैसे फादर थे, तो जोवियल नेचर के, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, खुश मिजाज थे वो। प्रश्न आ रहा है, व्हाई डिड केजिया स्टार्ट फीलिंग लोनली, केजिया को अकेलापन क्यों होने लगा था, क्योंकि अब उसकी माताजी बीमार हो गई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही है। व्हाई डिड केजिया गो टू हर फादर्स लैप, अपने पिताजी की गोद में क्यों गई वो, क्योंकि हर मदर वाज सीक, शी वांटेड टू फील सेफ टू सीक सोलेस। अब यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी जो है सही जवाब है, ऑल आएगा आंसर, ऑल आएगा। क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डिड द लिटिल गर्ल फील व्हेन हर फादर लुक्ड एट हर फ्रॉम द स्पेक्टेकल्स, छोटी बच्ची को कैसा लगा जब पिताजी ने चश्मे में से देखा, तो टेरिफाइड, वो डर गई थी, डरती थी, शुरू से ही डरती थी, तो उसे टेरिफाइड लगा। प्रश्न आ रहा है कि हाउ डिड केजिया फील व्हेन शी हैड टू स्पीक टू हर फादर, अपने पिताजी से जब उसको बात करनी पड़ी तो उसे कैसा लगा, शी वुड शटर वाइल स्पीकिंग टू हिम, स्टटर कर रही थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड केजिया थिंक ऑफ हर फादर व्हेन ही यूज्ड टू यॉन, जब उन्हें उबासी आने लगी तो केजिया को कैसा लगा था, तो सही जवाब है सी ऑप्शन, शी कंपेयर्ड हिम टू ए जाइंट, उसे राक्षस जैसे वो लग रहे थे, तो सही जवाब जो है ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। उसके बाद प्रश्न आ रहा है, वेयर डिड ग्रैंड मदर सेंड केजिया ऑन संडे आफ्टरनून्स, संडे आफ्टरनून्स को केजिया को कहाँ भेज देती थी दादी माँ, तो ऑप्शन डी जो है सही है, टू हर फादर एंड मदर इन द ड्राइंग रूम, उनके माता और पिता को ड्राइंग रूम में, के ड्राइंग रूम में भेज दिया करते थे। यहाँ पर डी ऑप्शन इज राइट। एंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड ग्रैंड मदर सेंड केजिया टू हर फादर इन द ड्राइंग रूम संडे, संडे को ड्राइंग रूम में क्यों भेज देते थे, क्योंकि ऑल जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं, एक बार आप सारे ऑप्शंस चेक कीजिए, यानी कि टू मेक हर कंफर्टेबल विद हर फादर, ताकि अपने पिताजी से बात कर सके, टू मेक हर अंडरस्टैंड हर फादर बेटर, ताकि वो अपने पिता को समझ सके, टू हेल्प हर हैव ए नाइस टॉक विद हिम, ताकि वो अपने पिताजी से अच्छे से बात कर सके। तो दादी माँ तीनों चीज़ें सोच करके उसे अपने पिता के साथ ड्राइंग रूम में भेज देती थी संडे को, तो ऑप्शन डी ऑल जो है वो सही जवाब है। उसके बाद प्रश्न आता है, व्हाट डिड केजियाज फादर डू इन द ड्राइंग रूम ऑन संडे आफ्टरनून, जबकि वो पिताजी जो थे वो संडे को क्या करते थे ड्राइंग रूम में, तो पिताजी जो थे संडे को स्लीप ऑन द सोफा, सोफा पे वो हमेशा सो जाया करते थे। क्वेश्चन आ रहा है,
What would Kezia find her mother doing on Sunday afternoons in the drawing room? Kezia की mother क्या करती थी संडे को afternoon में? तो यहाँ पर reading वो पढ़ती रहती थी. यहाँ पर फिर से उसे अकेलापन लगने लग गया क्योंकि माँ पढ़ती रहती थी और पिताजी सो जाया करते थे. हाँ, क्वेश्चन है, हु सजेस्टेड Kezia टू मेक ए गिफ्ट फॉर हर फादर? Kezia को किसने कहा कि अपने पिताजी के लिए गिफ्ट बनाएं? तो उसकी दादी माँ ने ये कहा था कि पिताजी के लिए ऐसी गिफ्ट बनाई जाए. बी ऑप्शन सही है. क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई डिड Kezia टियर द पेपर्स? Kezia ने पेपर्स को क्यों फाड़ दिया था? तो टू फिल द कजन क्वेश्चन, क्वेश्चन को भरने के लिए उसने पेपर्स को फाड़ दिया था. तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है. ये सभी जो हैं आज मैंने आपको द लिटिल गर्ल जो है ये चैप्टर है इसके आपको मैंने वन लाइनर्स क्वेश्चंस जो हैं वो बताए हैं. अगर आपको इसी तरह के किसी और चैप्टर के भी क्वेश्चंस चाहिए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगेन, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपनी स्टडीज़ में हेल्प मिल सके. और अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मुझे बता देना, मैं बनाने की कोशिश करूँगी. थैंक यू.